फ्रेंड्स कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप देखते हैं फ्रेंड्स, हमेशा मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लेकर के आता रहता हूँ, तो ऐसे ही मैं एक कंटेंट और आपके लिए लेकर के आया हूँ। यूएमटी का एक अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ कि यूएमटी डोंगल का जो अपडेट आता रहता है, जो भी अपडेट आता रहेगा मैं आपको एक लाइव वीडियो में बताता रहूँगा हमेशा की तरह, जैसे कि मैं बताता रहता हूँ। तो यूएमटी का सेटअप मैंने डाउनलोड कर लिया है। इसका जो अल्टीमेट एमटीके का अपडेट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा और उसको फुल इंस्टॉलेशंस के साथ बताना चाहूँगा कि आप उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें क्या एक नया अपडेट है। तो ये सारा चीज़ मैं यहाँ पे फ्रेंड्स, ये यूएमटी का मैं यहाँ पे इंस्टॉल करके और आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए, मैं वहाँ पे जो हमने डाउनलोड किया हुआ है तो मैं उसे दिखा देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, हमने जो इसको डाउनलोड किया हुआ है वो हमने डाउनलोड किया हुआ है यूएमटी सपोर्ट, और यहाँ पे हमने डाउनलोड्स। तो ये हमारा है यूएमटी का अल्टीमेट 4.1, अभी आया है। 4.0 चला रहे होंगे पर यहाँ पे 4.1 आ चुका है। तो चलिए, देर ना करते हुए हम इसको लगा देते हैं और इसको लगाने के बाद हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं। तो चलिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बननी चाहिए, यहाँ पे शॉर्ट में वीडियो होना चाहिए। तो ऐसे आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, सारा चीज़ ये आपको पता ही है। तो मैं यहाँ पे फुल वीडियो इसलिए बताता हूँ जिससे आपको प्रॉपर वे में समझ में आए सारी चीज़ें। तो यहाँ पे कर देना है नेक्स्ट नेक्स्ट और कर देना है इंस्टॉल। तो ये आपका हमारा अल्टीमेट टूल एमटीके इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि 4.1। अब इसमें देखेंगे कि फ्रेंड्स, इसमें अपडेट क्या आया हुआ है। सारी चीज़ मैं यहाँ पे लाइव आपको छोटा छोटा हिंट दे दूंगा, क्लू दे दूंगा कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, जैसे हमारा इंस्टॉल हो जाता है, मैं आपको सामने लाइव ही कर रहा हूँ हमेशा। इसको कर लेंगे एक्सेप्ट, इसको कर लेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे कर लेंगे नेक्स्ट, और इसे कर लेंगे नेक्स्ट, और यहाँ पे नेक्स्ट, और इसको भी कर लेंगे इंस्टॉल। इसको कर लेते हैं फिनिश। हमें देखिए, कोई भी अभी ड्राइवर को इशू नहीं है। अगर आप में कोई सिस्टम में ड्राइवर का प्रॉब्लम है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं फ्रेंड्स। बाकी हमारे में कोई ड्राइवर का भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए मैं कर दूंगा फिनिश। अब इसे रन एज एडमिनिस्टर। तो जैसा कि देख सकते हैं, अल्टीमेट ये हमारा है अल्टीमेट एमटीके टूल। तो इसको हम करेंगे ओपन फ्रेंड्स, और ओपन करने के बाद आपको बताएंगे कि इसमें क्या अपडेट नया आया हुआ है। और एक हाईलाइट भी बता दूंगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं, सारी चीजें एक छोटी सी हाईलाइट, क्योंकि जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो आपको एक छोटी सी हाईलाइट जरूर देते हैं। तो इसमें भी हम देख लेते हैं कि छोटी सी एक हाईलाइट की इसमें हम क्या क्या अपडेट और क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा 4.1 ओपन हो चुका है। तो हम पहले इंटरफेस, फ्लैशर के इंटरफेस में हम बातें हाईलाइट कर लेते हैं कि इसमें हम आपको क्या क्या नया मिला हुआ है। तो नया भी आपको पता चल जाएगा, प्लस इसके साथ जो इसका यूज होता है मैं वो भी आपको यहाँ पे लाइव बता दूंगा। तो चलिए, ये सबसे पहले आपको यहाँ पे फ्लैशिंग का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप हमारे सीधा यहाँ पे लोड स्केटर करके आप स्केटर फाइल मीडियाटेक से रिलेटेड, क्योंकि ये जो टूल है ये मीडियाटेक सीपीयू से रिलेटेड है। जितने भी मीडियाटेक सीपीयू है फोन में वो इसको सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंपली हमें स्केटर फाइल को देना है और लोड एक्सएमएल करना है, और हमें फ्लैश पे क्लिक कर देना है। हाई स्पीड पोर्ट चाहिए या फॉर्मेट डाउनलोड चाहिए या विदाउट बैटरी चाहिए, तो ये ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे लोड स्केटर करके आपको कोई भी डीए ऑथ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डीए ऑल इनवन डीए इनका एक अच्छा सपोर्ट डीए दिया हुआ है। तो सबसे नीचे आएंगे फ्रेंड्स, उसके बाद देख सकते हैं आप मोटो की एफआरपी हटा सकते हैं मीडियाटेक से रिलेटेड। उसके बाद उसके नीचे है डिसेबल ऑथ, जैसे हमारे जो फोन है, जैसे सौमी के फोन है उसमें एमआई अकाउंट लगता है फ्रेंड, तो उसको एमआई अकाउंट के लिए आपको हटाने के लिए कोई भी टूल जरूरत नहीं है। आप यूएमटी से बहुत इजीली तरीके से एमआई अकाउंट रिमूव कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे डिसेबल ऑथ करना होगा और फोन को कनेक्ट करना होगा जिससे उसकी ऑथ डिसेबल हो जाएगी। उसके बाद आपको ब्राउन मोड में ही कनेक्ट करना है, वॉल्यूम अप डाउन कनेक्ट यूएसबी केबल, और उसको आपको ब्राउन मोड में ही कनेक्ट करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ स्टॉप, और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको डाटा केबल लगाना है, फिर उसके बाद जाना है टूल एंड एफआरपी में। मैं टूल एंड एफआरपी का भी अपडेट आपको यहाँ पे दे देता हूँ। तो टूल एंड एफआरपी में भी आपको कोई भी डीए सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आप दो मेथड से काम कर सकते हैं, एक सीधा एमएमसी सीपीयू वाइज और एक सीधा कर सकते हैं आप ब्रांड वाइज, मतलब ब्रांड और यहाँ पे सीधा आप सीपीयू वाइज जा करके अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस चूज करना है कि आपको यहाँ पे सीपीयू वाइज करना है कि ब्रांड वाइज करना है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपको यहाँ पे करना है, जो भी आपको यहाँ पे ब्रांड होगा, जिस भी मीडियाटेक से रिलेटेड, आप यहाँ पे पहले अपना ब्रांड को सेलेक्ट कर लेंगे जो भी, और उसके बाद अपना यहाँ पे भी मॉडल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आपका ये सेलेक्ट हो जाएगा तब हम इन सारे टैबों को यूज करते हैं। तो ये सारा चीज पता है, तो एक छोटे से हाईलाइट में यहाँ पे दे रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जैसे मैंने एमआई अकाउंट की बात की थी, तो अपना सौमी का ले लेना है। जैसे हम एक बार सौमी को चूज ही कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने सौमी चूज कर लिया है।
अब इसके बाद Xiaomi चूज करने के बाद जैसे देख सकते हैं हमारा Redmi 6A, तो हम यहाँ पे Redmi 6A को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो पहले आपको जाना है कहाँ पे, फ्लैशर में जाने के बाद डिसेबल आउट कर देना है, ये डिसेबल आउट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है सीधा यहाँ पे एम आई अकाउंट रिसेट पे क्लिक कर देना है और आपकी चुटकी में एम आई अकाउंट रिमूव हो जाएगी। आपकी एफ आर पी हटानी हो, यहाँ पे पैटर्न रीड करना हो, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं, ये फॉर्मेट्स मेटा। तो जो फोन फॉर्मेट नहीं होते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले फॉर्मेट एफ एस सी करना होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फॉर्मेट एफ एस डू पे आप क्लिक करेंगे हो जाएगा। बट जो अभी नया मॉडल आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ओप्पो और रियलमी के जो फोन आ रहे हैं, आप यहाँ से सीधा मेटा मोड से उसकी अनलॉकिंग चुटकी में कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, ये अपडेट्स हैं और ये सारा चीज मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट किया कैसे यूज होता है, ये आई होप आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। दूसरी चीज, सबसे नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रैक्ट फॉर्मवेयर। स्ट्रैक्ट फॉर्मवेयर का मतलब ये है फ्रेंड कि जैसे ओएफपी फाइल आती है, जैसे हमारे जो फोन है अभी आप ओप्पो और रियलमी की फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसमें ओएफपी की फाइल आती है, तो आप ओएफपी की फाइल आप यहाँ से भी जाके बहुत ही इजीली तरीके से आप स्ट्रैक कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने ओएफपी को क्लिक किया तो यहाँ पे ओप्पो लिखा है ओएफपी फॉर्मवेयर, तो आप ओएफपी फॉर्मवेयर को भी यहाँ पे बहुत ही इजीली तरीके से स्ट्रैक कर सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे नोकिया को भी NB0 आप इस फाइलों को भी स्ट्रैक कर सकते हैं, मतलब नोकिया को भी। जैसे आपको बहुत सारे डाउट्स होते हैं सर हमें नोकिया को कैसे फ्लैश करना है, नोकिया फोन हम कैसे फ्लैश कर सकते हैं, तो उसको आप सीधा सिंपली जा करके आपको यहाँ पे NB0 की फाइल आपको यहाँ पे देनी है और वो स्कैटर में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है फ्रेंड, आपको यहाँ पे NB0 की फाइल देनी है और वो स्कैटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो और यहाँ पे ओएफपी फाइल देंगे तो भी वो स्कैटर में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद आप इजली तरीके से काम कर सकते हैं, चाहे आप UEFI में काम कर रहे हैं, चाहे आप EasyJTAG में काम कर रहे हैं, या फिर आपका सपोर्ट UMT में है तो आप UMT से भी कर सकते हैं। तो आई होप ये फ्रेंड जो हमने अपडेट आपको बताई है, ये इसका इंस्टॉलेशन और इसको यूज करना, छोटी सी हाईलाइट, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। बट अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारे नए अपडेट ऐसे आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।